राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान को गारंटी दिए जाने पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को सवाल उठाए कि मोदी क्या गारंटी दे रहे हैं और वो तो 23 नवंबर के बाद 5 साल तक राजस्थान में आएंगे ही नहीं। इसके साथ ही गहलोत ने दावा किया कि राज्य के विधानसभा चुनाव में जादू चलेगा और मतगणना के दिन साफ हो जाएगा कि कौन छूमंतर होगा। गहलोत ने बुधवार को लाल डायरी के मुद्दे को बकवास करार देते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में कोई दम है तो इस डायरी का परिवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग या सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। एक बर्खास्त मंत्री ने आरोप लगाया था कि लाल डायरी में गहलोत सरकार की कथित वित्तीय अनियमितताओं का विवरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी रैली में गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा है, कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा, जादू चलेगा वो कहते हैं कि छूमंतर हो जाएंगे, लेकिन बताएंगे कि छूमंतर कौन होगा। राजनीति गलियारों में गहलोत को जादूगर कहा जाता है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को चुनावी मुद्दा बनाने की बीजेपी की कोशिश पर पलटवार करते हुए गहलोत ने दावा किया, आरोपियों के संबंध बीजेपी से थे और आरोपियों को अब तक फांसी हो जानी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा की जा रही जांच में देरी हुई क्योंकि राज्य में चुनाव आ रहे थे। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रखो, आप विधानसभा स्तर पर रखें। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीन कुड़कनी होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर आप बहस करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शांत देखोगे, एक ही भाषा बोल के गए हैं, बढ़ने से दबाओ, बढ़ने से दबाओ, फांसी लगा रहे हो, ये कौन सी भाषा हुई, ये हिंसा क्यों भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री का कहना है कि उस घटना के बाद उन्होंने उम्मीद की थी कि बीजेपी और कांग्रेस के नेतागण मिलकर काम करेंगे ताकि राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो और हालत नियंत्रण रहे। गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और पीड़ित के घर गए। वहीं बीजेपी नेताओं ने हैदराबाद में अपने सम्मेलन में भाग लेना जरूरी समझा। राजस्थान में अपने प्रचार अभियान के द्वारा प्रधानमंत्री बार बार मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने कहा, वो क्या गारंटी दे रहे हैं, मोदी तो 23 नवंबर तक ही यहां आ रहे हैं, उसके बाद 5 साल के लिए पीएम तो आएंगे ही नहीं, यहां काम तो हम लोगों को करना है, यहां राजस्थान के नेताओं को तो वह किस बात की गारंटी दे रहे हैं, भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेताओं एवं मोदी को राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा की गई गारंटी पर बहस करनी चाहिए। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।